समझिएगा, जब हम शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी, ये पानी बह रहा है, हमने शंकर जी पे जल चढ़ाया, वो जल बहकर नीचे जाता है, ये जो जलाधारी है ये पार्वती जी का हस्त कमल है, यहाँ गणेश जी, यहाँ कार्तिक के बीच में अशोक सुंदरी, ये शंकर, ऊपर से जो बूंद बूंद पानी पर गिर रहा है, और शिव जी की पांच बेटियाँ जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, ये पांच बेटियाँ। जब हम जल चढ़ाते हैं तो पार्वती जी के हाथ पर वो जल जाता है, हस्त कमल पर वो जल जाता है। आप लोगों से 40 गांव की कथा में कहा था कि शिवलिंग जहां पर है और जलाधारी गोल है, कभी मौका मिल जाए और अपने दिल की बात अगर बहुत अड़चन में पड़े हो तो वो जलाधारी जो चारों तरफ है उसके चरण, उसको पकड़कर इस तरह से स्पर्श करना चाहिए, कम से कम 5 बार या 7 बार अगर मंदिर में जाने की परमिशन हो और शिवलिंग का अगर आप स्पर्श कर रहे हैं तो जो जलाधारी है, जो गोल जलाधारी है, गोल उसका स्पर्श 7-5 बार कर अपने दिल की बात कहना चाहिए। तीन जगह पर अपने मत्थे को टेकना चाहिए, तीन जगह पर, एक शंकर के दरवाजे पर जाओ तो अपने मत्थे को जरूर टेको, दूसरा गुरुद्वारे जाओ या गुरु के दरवाजे पर जाओ तो अपने मत्थे को जरूर टेको, और तीसरा किसी पवित्र तीर्थ में जाओ या किसी शिव महापुराण की कथा में या पुराण की जहां कथा होती है वहां सारे तीर्थ आकर बसते हैं, हम सारे तीर्थ नहीं जा सकते तो पुराण में भी अपने मत्थे को टेक देना चाहिए, मत्थे को टेक देना चाहिए। एक पत्र